समुदाय मेरे से जुड़ेगा इस वीडियो के बाद जी, और काफी लोग हमारे पहाड़ी गीतों को, मेरे गीतों को पसंद करते हैं और इन पहाड़, इस प्रकृति, इस गंगा जमुना, इस केदार घाटी, इस बद्री विशाल गंगा जमुना और इन पर ही आधारित मैं अधिकतर गीत गाता हूँ और लोग मुझे बहुत प्रेम भी देते हैं। वो तो आपकी आवाज से कल पता पड़ा। मुझे एक प्यारा सा गीत याद आ रहा है, सौभाग्य हमारा, मैं वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, योगिता जी साथ देंगी। पर्वतों की गोद में बसता है एक सुंदर जहां, पर्वतों की गोद में बसता है एक सुंदर जहां, इस सुंदर जहां को नमन है यहाँ। पान सुपारी उन्हें मैं कुदीनी बीड़ी, मेरी छैला उन्हें मैं कुदीनी बीड़ी, मेरी छैला अलमोड़ा को नंदा देवी, अलमोड़ा की नंदा देवी उन्हें लाल मटे किसी सरे। क्या बात है, उन्हें लाल का ये पेशा नहीं है तो आपकी आवाज और आपकी जुनून, आपका पैशन इतना ग्रेट है तो अगर इसको आप प्रॉपर प्रोफेशन बना लेंगी तो आप कहाँ की कहाँ पहुँचेंगी, राइट? हाँ, ऐसा मुझे, हम तो चाहेंगे और हमारे यूथ भी यही चाहेगा कि योगिता जैसी उभरती जो सिंगर है उनसे बहुत सारा कुछ और सुनने को मिले हमको। तो मैं अपने उस टाइम पे जब संगीत की शिक्षा मुझे लेनी थी तो सौरभ जी, एक क्वेश्चन और, मोदी जी के सामने आपने क्या पेश किया था? ये तो मेरी ज्यादती है लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी के सामने आपने जो गाया, दो लाइनें अगर हो जाएं तो भजन की जी। मेरा बाबा बोले नाथ तेरु डमरु बाजी डम डमा, शंभू बोले नाथ तेरु डमरु बाजे डम डमा, बाबा बोले नाथ तेरु डमरु बाजे डम डमा। रोशन फिजाए होंगे आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है जी। बाकी पूरा काम हमारा है, हम आपको पूरी फैसिलिटी यहाँ पर देंगे। हाँ। चेक इन से लेकर चेक आउट तक पूरा काम हमारा है। आप सिर्फ अपने घर से एक बैग लेकर आइए। क्या बात, उसके बाद जो भी चेक इन चेक आउट, उनके फंक्शंस, उनके मेहंदी एंड हल्दी इवेंट, मतलब शादी जयमाला, उसके अलावा जंगल के बीच में जंगल व्यू है हमारे पास, फ्रेश एयर या फ्रेश एयरिंग है, ऑल ओवर हिरनी है, जॉर्ज एवरेस्ट व्यू है, नागा देवता के मंदिर है, गजब रायता, पहाड़ी रायता इज यम एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आलू की खिचवानी, आलू की खिचवानी एंड दिस गहत की दाल, गहत की दाल एंड मडुए की रोटी, मडुए की रोटी एंड पालक, पता नहीं पालक का सब कुछ, नाम सब मुझे। कुछ यहाँ का लोकल है और अमेजिंग टेस्ट। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को सबको मालूम ही होगा, संगीत प्रेमी तो मेरे व्यूअर्स सारे हैं, इतनी लकी हूँ मैं कि आज यहाँ पर उत्तराखंड के पहाड़ के बहुत ही फेमस सिंगर सौरभ मिठानी जी, मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ, और योगिता, योगिता राइट, बहुत खूबसूरत, गंगा सिंह परिहार वाओ, मनोज सिंह नेगी। और ये लोगों का कल मैंने आपको गाना तो दिखाया ही जो इन लोगों ने शाम को परफॉर्म किया था, और मेरी बड़ी इच्छा थी इनसे बात करने की जो आज पूरी हुई। सौरभ जी थोड़ा बताएं अपने बारे में, लाइक आप इतना फेमस कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत अपीलिंग है और मैग्नेटिक है। जी सबसे पहले तो ट्रैवलिंग विद रचना, आप इस चैनल ट्रैवल विद रचना, ट्रैवल विद रचना के साथ आप मुझे देख रहे हैं जी, और मेरा सौभाग्य भी है कि एक अलग यूथ और एक अलग समुदाय मेरे से जुड़ेगा इस वीडियो के बाद जी, और काफ़ी लोग हमारे पहाड़ी गीतों को, मेरे गीतों को पसंद करते हैं और इन पहाड़, इस प्रकृति, इस गंगा जमुना, इस केदार घाटी, इस बद्री विशाल गंगा जमुना और इन पर ही आधारित मैं अधिकतर गीत गाता हूं और लोग मुझे बहुत प्रेम भी देते हैं। वो तो आपकी आवाज़ से कल पता पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और आज हम पुनर्नवा रिजॉर्ट में हैं और ये भी प्रकृति की गोद में बसा है। राइट, चारों ओर प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य है, एक रमणीक सौंदर्य है। और इस पर्वतों की गोद, इस श्रृंखला के बीच जो ये प्यारा सा रिजॉर्ट बनाया है, इसकी खूबसूरती भी अलग है जी। तो इस पर मुझे एक प्यारा सा गीत याद आ रहा है, सौभाग्य हमारा, मैं वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, योगिता जी साथ देंगी। पर्वतों की गोद में बसता है एक सुंदर जहां, पर्वतों की गोद में बसता है एक सुंदर जहां, इस सुंदर जहां को नमन है यहां। पर्वतों की गोद में बसता है एक सुंदर जहां। तो ऐसा ही सुंदर हमारा उत्तराखंड है जी, बिल्कुल, जो कि प्रकृति के गोद में है जी, और चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है जी, इसीलिए हम इस उत्तराखंड को। और आप कहाँ को बिलोंग करते हैं वैसे पहाड़ में? मैं रुद्रप्रयाग जनपद का रहने वाला हूँ। रुद्रप्रयाग, हाँ, जहाँ भगवान केदारनाथ जी रहते हैं जी, हमारे चार धामों में से एक धाम है केदारनाथ जी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। क्या बात है। और आप कब से संगीत से जुड़े हुए हैं? रचना जी, मैं विगत 10 वर्षों से संगीत की शैली पर कार्य कर रहा हूँ, गीतों पर कार्य कर रहा हूँ जी। जो यहाँ के रिचुअल्स हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग हैं जी, अध्यात्म से, हमारी धरोहर से, हमारी संस्कृति परंपरा, हमारे सम्मान, हमारी संस्कृति जो जुड़े गीत हैं जी, उनको लोगों के बीच रखता हूँ जी। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि पहाड़ का और कोई फेमस सॉन्ग, जैसे कि मुझे जो पर्सनली पसंद है, मेरी तो ज्ञान सीमित है, बेड़ू पाक्यो जी, जी, जी वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो कुछ पेश कर सकते हैं क्या? हमारे परियार जी आज बेड़ू पाक्यो सुनाएंगे और योगिता जी साथ देंगी प्लीज। तो एक काम करते हैं, तीनों शुरू करते हैं। बेड़ू पाक्यो बारमासा, बेड़ू पाक्यो बारमासा, नरेणा कपल पाक चेता मेरी छेला, नरेणा कपल पाक चेता मेरी छेला। आपु खैनी पान सुपारी, आपु खैनी पान सुपारी, ओ नरेण में कुदीनी बीड़ी मेरी छेला, ओ नरेण में कुदीनी बीड़ी मेरी छेला। अल्मोड़ा को नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, ओ नारायण लाल माटे की सीढ़ी, ओ नारायण लाल माटे की सीढ़ी मेरी छेला। वेरी गुड। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, वेरी गुड, वेरी गुड। योगिता जी, एक क्वेश्चन है जी। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाना तो लय बहुत पसंद है, मुझे खुद पर्सनली पसंद है, थोड़ा सा इसका मीनिंग बताएंगी? बेड़ू पाक बारामासा, हाँ, इस जो ये टाइटल है बेड़ू पाक बारामासा, हाँ, इसमें ये बताया गया है कि हमारे उत्तराखंड का एक फ्रूट होता है जिसे बेड़ू कहते हैं, बेड़ू बोलते हैं, पहाड़ी फ्रूट, पहाड़ी फ्रूट है, जैसे काफल है, हाँ, इन सब चीजों का वर्णन किया है इस गीत के जरिए। राइट। और बारह मास ये कहा गया कि बेड़ू इस यहाँ पर जो है उत्तराखंड की भूमि में आपको बारह मास पाया जाता है, बारह मास पाया जाता है, और इसके बहुत सारे साइंटिफिक वो भी है कि काफी हेल्दी ये माना जाता है जी जी। और एक काफल भी फ्रूट है, हाँ, काफल भी जो है ये सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता है, हाँ, हाँ, और काफल लेकिन सिर्फ एक सीजनल फ्रूट है जी, वो सिर्फ चैत के महीने, चैत और बैसाख के टाइम पे, चैत के महीने में। तो योगिता जी का भी हमने कल गाना सुना और आप बहुत हम्बल थी और आपने कहा ये तो मेरा कोई शौक नहीं है, तो जब शौक नहीं है तो मैंने कहा ये मेरा एक शौक है, पेशा नहीं, हाँ, पेशा नहीं है, राइट। तो जब आपका ये पेशा नहीं है तो आपकी आवाज और आपकी जुनून, आपका पैशन इतना ग्रेट है, तो अगर इसको आप प्रॉपर प्रोफेशन बना लेंगी तो आप कहाँ पहुँचेंगी, राइट। हाँ, ऐसा मुझे, हम तो चाहेंगे और हमारे यूथ भी यही चाहेगा कि योगिता जैसी उभरती
जो सिंगर हैं उनसे बहुत सारा कुछ और सुनने को मिले हमको। तो एक्चुअली मैं अपने उस टाइम पे जब संगीत की शिक्षा मुझे लेनी थी तो साथ में मेरा जो क्योंकि मेरा एक टारगेट था, एक एम था जिस पे मैं अभी चल रही हूँ जी। तो मैं पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देती थी उस वक्त, संगीत को भी देती थी लेकिन उतना देती थी जितना मुझे मेरे गुरु सौरभ भैया जितना सिखा पाते। आपके सौरभ भैया भाई भी हैं आपके? ये एक तरह से मान लो मेरे मुंह बोले भाई हैं। ओके। तो हमारी बॉन्डिंग थोड़ा ऐसी बन गई है जी कि हाँ मैं इनको अपने सगे भाई की तरह। पूरी दुनिया जाएगी ऐसे भाइयों, राइट, सब कनेक्ट होना चाहिए। मुझे एक भाई के, एक भाई, एक गुरु के रूप में एक भाई भी मिले हैं, राइट, एक आदर्श मिले हैं। क्या बात है। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है जी। और अभी जो मेरा मेन फोकस मेरे कैरियर पे है, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इस संगीत की जर्नी को भी आगे लेके चलूँ। बहुत बढ़िया। और इन फ्यूचर मैं इस पे जरूर काम। हमारे सब लोग चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, बिकॉज ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। सौरभ जी, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्योंकि आप पहाड़ तक सीमित है, देखिए इंडिया बहुत विशाल है और आजकल लोग तो पागलों की तरह पहाड़ों की तरफ जा ही रहे हैं, राइट। तो अभी तो केवल प्रकृति से जुड़े हैं और यहाँ के ट्रेडिशन से भी जुड़ रहे हैं, पहाड़ी खाना भी बहुत मशहूर हो रहा है। तो एक चीज़ और पूछूंगी आप लोगों से कि मान लो इंडिया में कहीं पर भी कोई इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केरला में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई हुआ, तो क्या आप लोग ओपन हैं वहाँ जाके पहाड़ी कल्चर को और बढ़ाने के लिए? बिल्कुल मैम रचना जी, मैंने अभी तक के भारत के हर राज्य में जाकर परफॉर्मेंस दी है। अच्छा। और आप चाहे केरला की बात करें, आप पौंडीचेरी की बात करें, आप कराईकल की बात करें, महाराष्ट्र और मानचर, तमाम जगह मैंने अपने फोक को अपने डेलीगेट्स के बीच में रखा है। ओके। माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी मैंने 3 बार परफॉर्मेंस दी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने? और हर जगह जहाँ भी प्रस्तुत करने का मौका मिलता है वहाँ अपने फोक को ले जाते हैं। ये हुई ना बात, देखिए हम जानते ही नहीं आपके बारे में। प्रोग्राम करते हैं, हाँ, आउट ऑफ इंडिया भी करते हैं। तो सौरभ जी, एक क्वेश्चन और, मोदी जी के सामने आपने क्या पेश किया था? हमारे उत्तराखंड के जब केदार धाम खुलते हैं जी, तो उस टाइम मोदी जी का आना होता है जी। और पिछले 3 बार मोदी जी केदार घाटी आए, केदार घाटी जाते हैं, राइट। तो मुझे संस्कृति विभाग जो हमारे यहाँ की सरकार है, राज्य सरकार की ओर से वहाँ भेजा जाता है। अच्छा। और जो यहाँ के भजन होते हैं, जो यहाँ के डिवोशनल सॉन्ग होते हैं, वो मैंने परफॉर्मेंस उनके समक्ष दी है। ये तो मेरी ज्यादती है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी के सामने आपने जो गाया, 2 लाइनें अगर हो जाए तो भजन की जी। मेरा बाबा भोले नाथ तेरु डमरू बाजी डम डमा, शंभु भोले नाथ तेरु डमरू बाजी डम डमा, बाबा भोले नाथ तेरु डमरू बाजी डम डमा, ऊंचा कैलाश तेरु डमरू बाजी डम डमा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, मजा आ गया। इसमें तो पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं, इतना बढ़िया आपकी आवाज़ है बिना म्यूज़िक के जब ये हाल है, और जब म्यूज़िक होगा तो कमाल ही होगा। सौरभ जी, मेरा बहुत बहुत भाग्य आज, और मेरे व्यूअर्स का भी, कि आपको इतनी अच्छी शख्सियत से आज मिलने का मौका मिला, इनके बारे में जानने का मौका मिला, और इतने यंग हैं ये लोग और अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से इतना जुड़ाव है, जो कि इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, पहाड़ों को, पहाड़ों की कल्चर को। यहाँ का सॉन्ग कितना बढ़िया है, तो आप लोग भी इनको सराहें, और मैं इनसे परमिशन लेके कोई एक किसी का नंबर डालूंगी, तो आप लोग कभी कोई इवेंट करना चाहें तो इनको बुलाएं, 4 चांद लगेंगे। मोदी जी के सामने जो इन्होंने परफॉर्म किया है तो कमाल है, मेरा भाग्य है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। बोला ना बोला, सगुना बोला, पहली बोगुना कलावंती चेलो, बोला ना बोला, सगुना बोला। वेरी गुड। कभी करेंगे।
क्या नाम आपका? शुभम रावत। शुभम, यहाँ पे सब लोग रावत हैं। आप? विनय सनवाल। विनय सनवाल। और हाँ, आप लोग क्या करते हैं? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है सारे। हाँ, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, आप लोग भी कुछ गाते वाते हैं? कुछ तो गाते होंगे। हाँ, इनकी मैं देखा है टैलेंट की कमी नहीं है। डांस करते होंगे? फुटबॉल। फुटबॉल, क्या बात है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया रहा आपसे मिलके। पूर्ण, आप लोग लकी लोग हैं, इतनी अच्छी जगह पे रहते हैं। आप लोगों की शिफ्ट होती होंगी? यस सर। नाम क्या बोला था आपने? पूजा रावत। पूजा रावत, कमाल की लड़की है भाई। वेरी गुड, टैलेंटेड। टैलेंटेड, भर भर के टैलेंट है। तो देखिए, पूजा रावत फ्रॉम पुनानवा, ऐसा स्टाफ हो ना तो काम करने का मज़ा ही कुछ और है। इनकी आवाज़ में वो जादू है जो आप भी सुनिए। पूजा, रिक्वेस्ट है, कुछ सुनाइए। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। पहले तो आपने मेरे लिए बोला, थैंक यू सो मच मैम। मैं स्टार्ट करूँ? हाँ। खुश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। खुश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए। जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आहा, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए। जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी। देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह मुझे इतनी खूबसूरत सी फैमिली मिली है यहाँ पे। क्या तो मैं टिहरी से बिलोंग करती हूँ वैसे। टिहरी? हाँ। वाओ, तो मेरा बहुत मन है टिहरी जाने का। तो टिहरी, राइट राइट, तो उसी का दर्द मैंने अपनी कविता में लिखा है जी, जो मैं आपको सुना। जी बिल्कुल। विस्थापन की पीड़ा। विस्थापन की पीड़ा, ओके। झील नहीं आंसुओं का सैलाब है ये। झील नहीं? झील नहीं आंसुओं का सैलाब है ये। क्या बात है। विस्थापन की पीड़ा इसमें हजारों का विलाप है। अरे बाप रे। झील नहीं आंसुओं का। आई विश एंड आई होप कि यहाँ पे कोई एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो जंगलों के बीच में। हाँ, और मैं आके उसको कवर करूँ। मोदी जी ने भी जो डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड वो हाँ। किया है, तो उसमें हमें इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया में भी अवार्ड मिला है। अच्छा, बेस्ट वेडिंग आइकॉन। पहाड़ी रायता इज यम
एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आलू की खिचवानी. आलू की खिचवानी एंड दिस जो गेहूं की दाल. गेहूं की दाल एंड मडुए की रोटी. मडुए की रोटी एंड पालक. पता नहीं पालक का मालूम नहीं नाम. सब कुछ यहाँ का लोकल है और अमेजिंग टेस्ट. अमेजिंग बढ़िया लगा. ये स्वाद है स्पेशली रायता जी एंड आपकी जो पालक, ये पालक गजब. ये पालक को मैम हल्का सा ब्लांच करते हैं हम लोग. हाँ. फिर उसको ब्लांच मींस यू नो पहले ठंडे बॉईल गरम पानी में फिर ठंडे पानी में. पहले गरम पानी में फिर ठंडे पानी में. हाँ. उसके बाद उसको थोड़ा सा चॉप करते हैं और थोड़ा मिक्सी में उसको हल्का सा वो कर देते हैं ग्राइंड कर देते हैं. उसके बाद उसको गार्लिक का तड़का एंड जखिया का तड़का. जखिया जखिया व्हाट इज जखिया? जखिया ये राई होते हैं ना मैम. और मतलब मैं 5 स्टार भी तो है. ये तो मतलब बड़ी